गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 सीबीएसई की एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन जो छूट गया था पिछले वीडियो में उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। का एक क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्राइंगल डीईएफ है, एक ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 4 था, एक ट्राइंगल इस तरह से था, एक ट्राइंगल डी ई एफ था, ठीक, जो कंग्रुएंस ट्राइंगल है एक ट्राइंगल DEF है और उसमें एक दूसरा कंग्रुएंस ट्राइंगल लिखा है, इफ ट्राइंगल DEF कंग्रुएंस है ट्राइंगल DCA, ट्राइंगल BCA, ठीक है। तो एक ट्राइंगल और आप बना लीजिए इस तरह से, उसमें बी सी ए, एक ट्राइंगल बी सी ए। अब इसको देखिए तो इसमें कुछ कंडीशन लिखी गई है, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट कंग्रुएंट करेस्पॉन्डेंट टू एंगल ई, पहला लिखा है एंगल ई, एंगल ई, देखिए एंगल ई, एंगल ई ए है, ठीक है, तो इसका जो कंग्रुएंस होगा वो इससे होगा, ठीक है, और ये जो है इससे होगा और ये इससे होगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए तो एंगल ई इसके इक्वल हो जाएगा, कंग्रुएंस होगा दोनों तरफ से इक्वल बना लीजिए, एंगल ई किसके हो जाएगा, एंगल सी के हो जाएगा। फिर दूसरा है, दूसरा क्या लिखा है, ई एफ, दूसरा ई एफ, दूसरा ई एफ है, लाइन सेगमेंट ई एफ कंग्रुएंस होगा, ई एफ, ई और एफ होगा वो किसके कंग्रुएंस होगा, ई एफ कंग्रुएंस होगा सी ए के, इसके होगा कंग्रुएंस होगा सी ए के। और उसके बाद तीसरा जो लिखा गया है एंगल यफ, एंगल यफ कंग्रुएंस होगा एंगल यफ, देखिए एंगल यफ किसके कंग्रुएंस हो रहा है, एंगल ए के, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एंगल सॉरी साइड है डी एफ, डी एफ ये किसके कंग्रुएंस होगा, डी एफ, देखिए ये डी एफ है, ठीक है, डी एफ किसके कंग्रुएंस होगा, डी एफ बी ए के होगा, किसके होगा, बी ए के होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 का ये लास्ट क्वेश्चन बचा था, इसको भी आप देखिए, आप उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 में आएंगे, एक्सरसाइज 7.2 में आएंगे। देखिए 7.2 में लिखा है, विच ग्रेजुएट्स क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग्स। देखिए किसी भी ट्राइंगल कंग्रुएंस करने के लिए इसमें 3-4 क्राइटेरिया यूज किए गए हैं, जैसे पहला है एस एस एस, यस यस यस, साइड साइड साइड, इसकी तीनों साइड, दो ऐसे ट्राइंगल जिसके जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, उनको हम साइड 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 कंग्रुएंस क्राइटेरिया बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा होता है साइड एंगल साइड, दूसरा क्या होता है, इसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तो उसको हम बोलेंगे यस ए यस कंग्रुएंस क्राइटेरिया। तीसरा होता है ए यस ए, ए यस ए, इसका मतलब इसमें दो साइड दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड होगा जो कि एक दूसरे के कंग्रुएंस होंगे। फिर उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है आर एच यस, ठीक है, आर एच यस। ये देखिए एक राइट
ट्राइंगल पे काम करता है, एक राइट ट्राइंगल पे काम करता है, मतलब उसमें कि ये एक एंगल अगर 90 डिग्री का है और एक एंगल 90 डिग्री का और दूसरा एक साइड जो है वो हाइपोटेनस हो, तो इस पे जो काम करेगा उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, या इसको RHS, क्या बोलेंगे इसको RHS क्राइटेरियन, ठीक है, कंग्रुएंस क्राइटेरियन। आप इन्हीं के अकॉर्डिंग, अब इन्हीं चारों के अकॉर्डिंग इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्राइटेरियन इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, व्हिच कंग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग्स, जैसे लिखा है पहला लिखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है अगर साइड ए बी इक्वल होगा डी ई के, साइड ई ए बी इक्वल है डी एफ डी ई के, और बी सी इक्वल है इसके ई एफ, और साइड ए बी है वो इक्वल है किसके, डी ई के, ए बी का हो गया है, ए सी है, एक और साइड छूट रहा है, ए सी इक्वल है डी एफ, ठीक। तो देखिए इसमें देखिए ये साइड तीनों साइड इक्वल हो रही है, इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, साइड कंग्रुएंस क्राइटेरिया इसमें यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 का बी है गिवन जेड एक्स इक्वल टू आर पी, उसके बाद आर क्यू इक्वल टू जेड एक्स जेड वाई है, और उसने एक एंगल आर इक्वल टू एंगल जेड, इसमें देखिए दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो दो साइड है और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड, तो दूसरे वाले में कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, साइड एंगल साइड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सी इसका है, 1 का सी, एंगल यल यम यन इक्वल टू एंगल एफ जी एच, बुक से देखिएगा सारा क्वेश्चन उसमें मिलेगा, फिर उसके बाद एंगल यल यम एन एम एल इक्वल टू एंगल जी एफ एच, और एक साइड एम एल इक्वल टू एफ जी, मतलब दो एंगल और एक साइड इक्वल है, दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल, ये जो है कंग्रुएंस क्राइटेरियन इसमें यूज हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है इसमें का, गिवन ई बी इक्वल टू डी बी, ई बी इक्वल टू डी बी और ए इक्वल टू बी सी, देखिए दो साइड इक्वल हो रही है और एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, एक एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का होता है राइट हैंड साइड, राइट एंगल ट्राइंगल की काटिंग, राइट एंगल ट्राइंगल की काटिंग हो रहा है, इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, आर एच एस, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, आर एच एस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इफ यू वांट शो दैट ए आर टी एक ट्राइंगल ए आर टी कंग्रुएंस है ट्राइंगल पी ई एन, तो इसमें देखिए पहला लिखा है इफ यू हैव यूज्ड टू यस 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 क्राइटेरियन, मतलब साइड 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 इस क्राइटेरियन को यूज करना है, ठीक है। तो दे यू नीड टू शो, तो आप इसको क्या शो कर सकते हैं, जैसे ए आर दो ट्राइंगल देख लीजिए, इसमें बुक में दिया है ए आर टी और दूसरा ट्राइंगल है पी ई एन, अगर ए आर इक्वल होगा किसके, पी ई के इक्वल होगा, आर टी इक्वल होगा ई एन के इक्वल हो जाएगा, और ए टी इक्वल होगा पी एन के कारण, ठीक है। यह हो गया इफ इट इज यूज गिवन एंगल टी इक्वल टू एन, अगर टी को एन के अकॉर्डिंग एंगल इक्वल कर दिया जाए, और उसमें कौन सा एंगल क्राइटेरिया यूज हुआ, यस ए यस यस ए यस के अकॉर्डिंग होगा, तो आर टी जो है आर टी इक्वल टू ई एन हो जाएगा, और उसके बाद पी एन इक्वल टू ए टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी लिखा है, इफ इट इज द गिवन ए टी इक्वल होगा पी एन के, यू आर यूज टू एस ए साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, तो एंगल आपका ए हो जाएगा ई पी एन, सॉरी पहले ट्राइंगल में देखिए एंगल ए आर ए टी इक्वल किसके हो जाएगा, ई पी एन के इक्वल होगा आर ए टी। क्वेश्चन इसका सी है, सेकेंड का सी है, एंगल आर ए टी इसके बराबर होगा आर ए टी, दूसरे वाले ट्राइंगल में देखिए आर ए टी हो जाएगा तो सी एंगल पी ई होगा, पहले ई पी एन होगा,
EPN इक्वल होगा। उसके बाद अगर दूसरे वाले में जो है दो एंगल को इक्वल करना है तो ATR, ATR अगर इक्वल होगा तो किसके अंदर होगा PNE के बाद PEN PNE होगा, पहले N बीच में होगा PNE। ये क्वेश्चन सी का होगा, ठीक है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, क्वेश्चन थ्री है। क्वेश्चन थ्री जो लिखा है, यू हैव शो द एक ट्राइंगल ए एम पी, या बुक में देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है। ए एम पी कंग्रुएंस होगा ए एम क्यू, जिसमें ए एम क्या है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक लाइन एक जो साइड है ए एम दोनों में कॉमन दिख रही है। तो पी एम, पी एम इक्वल टू क्यू एम, ये देखिए आपका फिगर में दिया हुआ है, इसमें आपको रीजन में लिखना है तो रीजन में लिख लीजिएगा गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ है, ऐसा है फिगर में दिया गया है। फिर उसके बाद एंगल पी एम पी एम ए और पी एम एम जो है ये दिया हुआ है एंगल क्यू एम ए, ठीक है, और उसके बाद ए एम दोनों में कॉमन हो रहा है। तो ए एम पी और ए एम क्यू इसको पूछ रहा है किसके कारण, आर एच एस राइट, जिसमें देखिए एक एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा है, ठीक है। तो आर एच एस के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थ्री तक आपका इस वीडियो में कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।